आ चुका हूँ और ट्रेडमिल पे वर्क कर रहा हूँ अभी। तो सबसे पहले आज मेरे को करना था ट्रेडमिल, क्योंकि दो दिन से मैं ट्रेडमिल पे रनिंग नहीं किया था। वैसे वीकली 3 बार तो करना चाहिए, तो उसे 3 से 4 बार तो मैं भी करता हूँ, बीच में 1-2 दिन गैप ले लेता हूँ, क्योंकि रेगुलर करना भी अच्छा नहीं होता है और रेगुलर करना भी नहीं चाहिए। आप रेगुलर आप वॉक कर सकते हैं लेकिन रेगुलर रनिंग नहीं कर सकते। मैं सिर्फ रनिंग करता हूँ ट्रेडमिल पे, थोड़ी देर वॉक करके 2 मिनट वॉक करता हूँ, 10 मिनट रनिंग करता हूँ, उसके बाद अपना एक्सरसाइज स्टार्ट कर देता हूँ। तो आज मेरे को करना था चेस्ट और ट्राइसेप, तो आज 2 मसल को मेरे को हिट करने का है। और जैसे कि आप लोगों को दिखाया था कि ज़्यादा तो इंस्ट्रूमेंट नहीं है हमारे जिम पर, चेस्ट में फिर भी बेंच प्रेस करने का है, पहले तो पुशअप करने का है, फिर जाके बेंच प्रेस करने का है, फिर अपर चेस्ट भी करना है। ये मेरा बहुत वीक है तो ये मेरे को डेवलप करना है इस बार, तो कैसे भी करके मुझे इसको डेवलप करना ही है। उसके बाद फ्लाइंग और पुल ओवर वो सब हो जाएगा, उसके बाद ट्राइसेप वर्कआउट करेंगे। तो गाइस वीडियो में बने रहिए, जितना भी होता है थोड़ा बहुत वीडियो बना के आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं पूरा पसीना पसीना हो गया और ट्रेडमिल अभी हो गया, अब एब्स का एक्सरसाइज करूँगा। ट्रेडमिल के बाद इमीडिएट एब्स एक्सरसाइज करने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है, तो इसीलिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ ट्रेडमिल के बाद एब्स का वर्कआउट करें। तो अभी एब्स का वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। गाइस बिल्कुल ऐसे ही, मतलब पूरा 3 सेट करना है। पहले सिटअप्स जो पहले हम लोग मारे अपर वाला एब्स के लिए, वो सिटअप्स बोलते हैं, जो बाद में हम लोग लेग राइज किए उसको लेग राइज बोलते हैं। तो पहले सिटअप्स 30 रिपीटेशन मारना है, फिर लेग राइज भी 30 रिपीटेशन मारना है, 3 सेट कंटिन्यू करना है, फिर देखिए रिजल्ट कैसे नहीं आता है। मेरे को बताइए रिजल्ट कैसे नहीं आता है। एब्स के बाद अब ये मारेंगे ये साइड एब्स के लिए, जो अपने साइड्स में जो कटिंग्स आते हैं ना उसके लिए, और ये जो पीस ये जो पार्ट होता है ना वो प्रॉपर लेवल पे लेके आने के लिए। तो अब सबसे पहले से हल्का सा पतला सा कोई रॉड ले लीजिए, हर जिम पे अवेलेबल होता है। सांस छोड़ के इधर सांस छोड़ेंगे, फिर इधर सांस छोड़ेंगे, तो ऐसे कंटिन्यूसली 40 रिपीटेशन मारना है। कितना? 40। और जो लेग है ना, लेग का वाइड आपके चेस्ट से थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा, आपका चेस्ट जितना विड्थ है वाइड है उससे थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। ये मसल को पूरा यहाँ ऐसे करने टाइम पूरा फुल टाइट कीजिए, ब्रीथ आउट टाइट ऐसे करके करना है, टाइट ब्रीथ आउट टाइट। जैसे 40 रिपीटेशन हो जाए इमीडिएट जंप करेंगे। पहले अपना पैर को ऐसे नीचे रखेंगे, फिर ऐसे पैर को फैला के नीचे रखेंगे। जैसे हम लोग नीचे आएंगे ना तो सांस को छोड़ेंगे। एग्जैक्टली 40 रिपीटेशन ऐसे करना है। उसके बाद मेरे को बताइए ऐसे 3 सेट कंटिन्यूस करना है, करके मुझे कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है। और ये पूरा बिल्कुल ऐसा ट्रिक है ना, आपका कमर हो जाएगी बहुत ही पतली। मत बोलना कि लड़कियों जैसे कमर चाहिए, पर हाँ ये कुछ कम नहीं है, इसमें आपका कमर जो है बहुत पतली हो जाती है। जो लेडीज़ है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ये गाइस। उसके बाद ये वाली मशीन ट्विस्टिंग मशीन हर जिम पे अवेलेबल होती है, तो फिनिशिंग के लिए मारना होता है, और आपकी जो साइड की जो फैट है ना उसको बर्न करने के लिए, उसको कम करने के लिए,
उसको हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। तो इसका ट्रिक बताता हूँ, बहुत ही अच्छा ट्रिक है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम करेगी। सबसे पहले यहाँ पर ग्रिप दोनों हाथ को इधर रखने का है, उसके बाद ये जो पैर है ना यहाँ पर ऐसे रखना है बिल्कुल पास पास। उसके बाद जैसे ऐसे मूवमेंट होगा ना तो सांस छोड़ के एब्स को टाइट करना है, टाइट करना है, फिर सांस लेके फिर अगेन यहाँ पे सांस छोड़ना है, टाइट करना है, ऐसे कंटिन्यूसली 40 रिपीटेशन मारना है और जो आपकी सर है ना वो सीधा रहेगी। तो गाइस ये मैं आप लोगों को एब्स का वर्कआउट आज के वीडियो में पूरा अच्छे से बता दिया हूँ। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, बहुत ही रिजल्ट है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आती है इसकी, मैं खुद अपनाया हूँ। और मैं अपने कमर को 28 इंच पे भी लेके गया था 34 इंच से। तो ये जो वीडियो है, शायद ये जो ट्रिक है कोई नहीं बताता होगा, पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा बताया हुआ है कोई, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। और मैं जाता हूँ, मेरा वर्कआउट ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मैं वीडियो पर ज़्यादा एंगेज रहता हूँ तो मैं अपना मसल वर्कआउट नहीं कर पा रहा हूँ। तो गाइज आपके लिए मैंने बता दिया वीडियो, अब मैं जाता हूँ, मेरा वर्कआउट ख़त्म करता हूँ। Till then, bye bye, take care.